एवरीवन, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखना। सो मेरा जो सुबह का काम था ना, वो पूरा फिनिश हो गया है। जिम स्कूल चली गई है और अब मैं जा रही हूँ जिम। यस यार, 3 दिन हो गए मैं सच में जिम नहीं गई थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं नहीं जा पाई। लेकिन हाँ, और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं जिम में क्या क्या करती हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता है कि मैं जिम में जाती हूँ, बट मैं वहाँ पे क्या क्या करती हूँ, क्या वर्कआउट करती हूँ, तो आज मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी कि मैं जिम में क्या क्या करती हूँ। मैं जिम में 2 घंटे रहती हूँ। यस, मैं जिम में 2 घंटे अपना वर्कआउट करती हूँ और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। वैसे मेरा पहला वजन 69 था। आप लोगों ने मेरे वीडियोस जो देखी होंगी पहले की, कि मैं पहले बहुत मोटी थी, तब मेरा वजन 69 था और अब मेरा वजन, चलो आप लोगों को मैं पूछती हूँ कि मेरा अभी वजन कितना होगा, तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए कि मेरा वजन कितना होगा अभी। पहले तो मेरा 69 था, तो अभी मेरा वजन कितना होगा, तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए। जो सही जवाब देगा उसे मैं रिप्लाई दूंगी। ठीक है, तो मुझे कमेंट्स में बताना कि अभी मेरा वजन कितना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तो चलो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जिम में क्या क्या करती हूँ 2 घंटे। ओके, चलो। वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। डर 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 डर, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। तो चलो, अब मैं जिम में पहुंच गई हूँ और आप लोगों को मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि मैं जिम में क्या क्या करती हूँ। चलो पहले करते हैं वार्म अप। ओके, अभी करते हैं लैग पुल डाउन। क्या हुआ? बात नहीं करूंगी मुझसे, नाराज हूँ। तो
ये सब है, मैं डेली जिम जाती हूँ और ये सब वर्कआउट करती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही फर्क पड़ने लगा है। और सच बोलूं, पहले मेरा वजन 69 था, मैं बहुत हेल्दी थी। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिससे मैं बहुत मोटी थी, लेकिन जब से मैंने जिम ज्वाइन किया और ज्यादा से ज्यादा चलने लगी हूँ और एक्सरसाइज करने लगी हूँ ना, तो मुझे सच में बहुत फर्क पड़ने लगा है। जैसे मैं चलती भी थी ना, तो मुझे ना सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन जब से मैंने जिम ज्वाइन किया और ये सब वर्कआउट करने लगी, तो सच मानो मुझे बहुत बहुत फर्क पड़ने लगा। तो ये रहा मेरा जिम का सब वर्कआउट, मैंने आप लोगों को बताया है। आज आगे क्या है मैं आप लोगों को बताती, और ये आवाज़ मुझे मतलब आप लोगों से बात करने नहीं दे रही है, तो मैं बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, बाय।